Hello dear ones, this is URD Academy and I am Ankita. This academy provides you online and offline classes for every type of competition classes. Today, we will cover up a topic of common error and sentence improvement. Before that, this is our motivational quotation. Success makes us intolerant of failure and failure makes us intolerant of success. Now, we are going to start our topic. ये हमारी English classes हैं URD Academy की. Daily आपकी English classes start होती हैं offline and online. Topic जो cover up होगा इससे common error and sentence improvement. Common error का जो topic है इंग्लिश में कवर अप करता है 2 से 3 मार्क्स किसी भी टाइप के इंग्लिश के एग्ज़ाम में, चाहे आप SSC में बैठ रहे हैं, DSSB में बैठ रहे हैं, बैंकिंग में बैठ रहे हैं, CDS में बैठ रहे हैं. और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का टॉपिक भी जो है वो 2 से 3 मार्क्स का कवर अप करता है. तो इट मीन्स दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. और इसी टॉपिक्स में कई सारे सेंटेंसेस बटे होते हैं जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं. और आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं, सिंटैक्स. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है सिंटैक्स से. सिंटैक्स हम लोगों ने हाई स्कूल एंड इंटर में पढ़ा था, अब उसी से निकाला गया है कंपटीशन क्लासेस के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसके अंदर हम 3 टॉपिक कवर करते हैं. ये टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है, पहला है आपका सब्जेक्ट, इट मींस नाउन एंड प्रोनाउन, एंड अदर वन जो है वो है आपका वर्ब. तो 3 टॉपिक कवर अप हो रहे हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नाउन, प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन को हम वर्ब से कैसे कनेक्टेड करेंगे ये पूरा टॉपिक हमको ये पढ़ाता है. जैसे सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, नाउन और प्रोनाउन. किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हमें या तो नाउन की ज़रूरत होती है या प्रोनाउन की ज़रूरत होती है. अदर कोई भी वर्ड जो है इंग्लिश में वो आपका एक सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करता है. वर्ब इंपरेटिव सेंटेंसेस को अभी छोड़कर रखते हैं, बाकी या तो हमको नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए. जो भी वर्ड सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है उसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. ये सिंपली सी बात लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है अ डॉग इज बार्किंग, ठीक है, तो ये डॉग जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है. और नाउन जो है वो इस वर्ब को एग्री कर रहा है, इज. अदर हमने सेंटेंस लिया है वी शैल गो, तो वी का पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा प्रोनाउन. इट मीन्स द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी नाउन और प्रोनाउन. वी शैल गो टू द पार्टी. तो सेंटेंस को बनने के लिए, ये सिर्फ आपको बताया गया है कि सेंटेंस का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है. तो अ डॉग इज बार्किंग या वी शैल गो टू द पार्टी, तो ये हमारा 2 सेंटेंसेस आपके होते हैं. बात करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब. हमेशा सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट होता है. कभी भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब को सेटिस्फाई नहीं करता है, या ऑब्जेक्ट को देखकर कभी भी वर्ब नहीं लगाई जाती है. इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट को पहचानना, कि हमारा सेंटेंस जो गिवन सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या है और कौन सी वर्ब, क्योंकि सेंटेंस बहुत लेंथी आते हैं, तो कौन सी सेंटेंस जो है सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है. तो विच सब्जेक्ट इज वेरीफाई टू द वर्ब या एग्री टू द वर्ब. जैसे एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिख दिया, शी इज अ गर्ल, तो शी है और ये वर्ब है आपका, ठीक है. तो ये आपका नाउन है का पार्ट ऑफ स्पीच, या तो प्रोनाउन या नाउन. तो यहाँ पे ये पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है प्रोनाउन, और इज यहाँ पर एक वर्ब लगी हुई है. नेक्स्ट बात करते हैं आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को एग्री करेगा या सिंगुलर वर्ब को आइडेंटिफाई करेगा. जैसे हमने कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ही, शी, इट.
इंग्लिश डिक्शनरी में ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो इनके लिए वर्ब आ रही है इज, एम, वॉज, हैज, डज और राइट्स। अब यहाँ पर हमने एस क्यों लगा रखा है इसको समझते हैं। जब कभी भी नाउन, किसी भी नाउन में, नाउन का मतलब होता है नेमिंग, नाउन इज अ नेमिंग, शुरू से हम लोग डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन, तो नाउन इज अ नेमिंग है, नाउन जो है वो एक नेम है और उस नेम पर जब हम एस या एस लगाते हैं या एस या एस यूज करते हैं तो इट विल ऑलवेज बी प्लूरल। बट द स्टोरी इज चेंज इन वर्ब, वर्ब में ये कहानी बदल जाती है। वर्ब जब होती है तो वर्ब में जब हम एस या एस लगाते हैं तो वो वर्ब हमारी जो रोल प्ले करती है एज अ सिंगुलर। वर्ब एस या एस वर्ब के साथ जब कनेक्ट होता है तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाती है, और जब नाउन यानी कि नेमिंग में एस या एस लगता है तो नाउन जो है हमारा वो प्लूरल बन जाता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, और नाउन में ही एस या एस लगता है या वर्ब में ही एस या एस लगता है, बाकी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में आप एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं, ना ही वो सिंगुलर बनते हैं और ना ही वो प्लूरल बनते हैं, ना ही एडजेक्टिव सिंगुलर बनता है, ना ही एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नेवर बी इन अ प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म, ओनली नाउन एंड वर्ब, बी सिंगुलर बी प्लूरल, डिपेंड ऑन द एस और ई एस कंडीशन। एस या ई एस लगा रहे हैं जब नाउन में तो वो प्लूरल बन रहा है, और एस या ई एस जब हम लगा रहे हैं वर्ब में तो वो वर्ब सिंगुलर बन रही है। जैसे मेरे पास एक वर्ब लिखा है एग्री और दूसरा वर्ड मैंने लिख दिया एग्रीज, व्हाट इज द डिफरेंस? एग्री इज अ प्लूरल वर्ब एंड एग्रीज इज अ सिंगुलर वर्ब, और यही आगे चल के हमें काम आएगा कि वो कैसे, किस नाउन के साथ वो कनेक्टेड हो रही है। अब जैसे ये हमारे नाउन्स लिखे हुए हैं वी, यू, दे, ये प्रोनाउन है हमारे, तो जैसे ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आर, वर, हैव, डू और राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट लिखा हुआ है, राइट में कोई एस या एस नहीं लगा हुआ है, इट मींस ये प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट को टैली करेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। लास्ट में हमारा आई सेक्शन जो बचता है, आई, आई जो है वो सिंगुलरली और प्लूरली दोनों तरीके से यूज होता है, क्योंकि हम देखते हैं आई के लिए एक डेफिनेट वर्ब बनी हुई है एम, वॉज और वर, ये दोनों लेता है, वॉज कंडीशन में सिंगुलर होता है और वर कंडीशन में ये प्लूरल, आप एज अ सपोज कर सकते हैं कि प्लूरल होता है। इमेजिनेशन सेंटेंसेस में आई को वी विल ट्रीट एज अ प्लूरल एंड इन अदर सेंटेंसेस इट विल बी ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। इन अदर्स हैव प्लूरल वर्ब लेगा, डू प्लूरल वर्ब लेगा, तो राइट ये आपका प्लूरल लेगा। आई समटाइम्स एज अ सिंगुलर एंड समटाइम एज अ प्लूरल, एम, वॉज, वर, हैव, डू एंड राइट, दिस इज द वर्ब फॉर ओनली आई। जबकि वी, यू, दे ट्रीट एज अ प्लूरल एंड ऑलवेज बी वर्ब आर, वर, हैव, डू एंड राइट। नेक्स्ट, सिंगुलर नाउन, जब कभी भी हमारी नाउन सिंगुलर है यानी कि हमारे पास एक पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, एक पर्सन है, तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। एक सिंपल सा सेंटेंस देखते हैं, गौतम is very intelligent, गौतम एक सिंगुलर वर्ड है, नॉर्मल सी चीज़ है, तो ये कैसा लेगा? सिंगुलर वर्ब ले रहा है, तो गौतम इज वेरी इंटेलिजेंट। अगला वर्ड हम देखते हैं द काउ ईट्स ग्रास, जो काउ है वो घास खाती है। इसका मतलब सिर्फ इतना समझाना था कि जो सिंगुलर नाउन होता है या सिंगुलर प्रोनाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। सिर्फ एक टॉपिक क्लियर करना है कि सिंगुलर नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को एग्री करेगा। छोटे छोटे सेंटेंसेस पे रूल्स सीखे जाते हैं और प्रैक्टिस के लिए वी विल यूज लेंथियर सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन, दो नाउन आ गए हमारे पास। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एक नाउन है, वन नाउन कनेक्टेड विद वन वर्ब सिंगुलर वर्ब, हियर इज टू नाउन्स, नाउन is singular and another noun is also singular, means S1 है और दूसरा S2 है, connected हैं दोनों, तब हमारी verb क्या बन रही है? Plural। देखते हैं sentence पे apply कैसे होता है। राहुल, राहुल एक अलग person है, and connected with and, जब हमारे दो singular noun
एंड से कनेक्टेड होते हैं, जैसे राहुल एंड साहिल बोथ आर सेपरेट. राहुल एंड साहिल हैव डन वेल इन एग्जाम्स. राहुल एक अलग सब्जेक्ट हो रहा है और साहिल एक अलग सब्जेक्ट हो रहा है. और इसके साथ देखिए कि हम हैव पर जा रहे हैं, यानी कि प्लूरल. दो नाउन जब एंड से कनेक्टेड होते हैं तब हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. आप लोग नोट डाउन करते चल सकते हैं अपने साथ साथ कि जब दो नाउन कनेक्टेड विद एंड एंड यूज एज अ सेपरेशन वी विल ऑलवेज यूज अ प्लूरल वर्ब. सी द नेक्स्ट सेंटेंस, सिंपली सेंटेंस, पूजा एंड गीता. दो नाउन एस वन एंड एस टू कनेक्टेड विद एंड आर फॉलोइंग एज अ प्लूरल वर्ब. पूजा एंड गीता आर सिस्टर्स. मैं होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा. एक सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर वर्ब है. दो सिंगुलर नाउन कनेक्टेड हैं एंड से एंड उनका जो यूज है वो एज अ सेपरेशन के रूप में हो रहा है. दो अलग अलग पर्सन हैं, दो अलग अलग थिंग्स हैं, तो जब वो एंड से कनेक्टेड हो रही हैं तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं. चलते हैं नेक्स्ट पर. सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन इक्वल टू सिंगुलर वर्ब. हमेशा ये टॉपिक जो है बच्चों को परेशान करता है. अभी हमने पढ़ा था सिंगुलर नाउन है, दूसरी सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब जो कैसी आती है, प्लूरल. इन अदर स्लाइड वी आर विद द स्लाइड सिंगुलर नाउन और ये वर्ब कैसा ले रहा है, सिंगुलर. तो कन्फ्यूजन क्रिएट होना ही चाहिए. समझते हैं कि कब सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन प्लूरल में जाता है और कब सिंगुलर नाउन में सिंगुलर वर्ब में रहता है. देखिए इधर, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश. तो राइस एंड करी इज यूजिंग एज अ पेयर. ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट. लगा हुआ है ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट. तो हियर ब्रेड एंड बटर आर नॉट सेपरेट. अब ऐसा तो होगा नहीं कि ब्रेड आपने लिया और बटर ब्रेड खा लिया फिर बाद में बटर बटर चाट लिया. ब्रेड एंड बटर साथ में मिलाएंगे और उसके बाद उसको खाएंगे. तो ब्रेड एंड बटर जो है वो सेपरेशन में यूज ना होकर एज अ पेयर यूज हो रहा है. सेम इज हियर राइस एंड करी. ना ही ऐसा होगा कि पहले चावल खा लो फिर उठा के कड़ी पी लो, तो सेम कंडीशन इसमें भी नहीं हो सकती. तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो आपको दिख रहे हैं कि वो एज अ पेयर यूज हो रहे हैं. तो जब भी हमारे दो सिंगुलर नाउन कनेक्टेड विद एंड होते हैं बट इन अ पेयर होते हैं तो वो सिंगुलर यूज सिंगुलर वर्ब के साथ जाते हैं. अब इधर देखिए वही सेंटेंस है, ब्रेड एंड बटर. ब्रेड और बटर को हमने एंड से कनेक्ट कर रखा है बट यहाँ पर हम आर लगा रहे हैं, ठीक है. फिर इसके बाद लिखा हुआ है सोल्ड हियर. ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर मीन्स ब्रेड और बटर जो है वो यहाँ पर बेचा जाता है. अब देखिए, अब ऐसा तो है नहीं है कि कोई दुकानदार है वो आपको ब्रेड में बटर लगा लगा के बेचेगा. ब्रेड का पैकेट अलग मिलेगा और बटर का पैकेट आपको अलग मिलेगा. तो ब्रेड एंड बटर यहाँ पर सेपरेटली यूज हुआ है और यहाँ पर एज अ पेयर यूज हुआ है. कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ब्रेड एंड बटर इज मेड फ्रॉम वीट एंड मिल्क रेस्पेक्टिवली. तो ब्रेड जो है वो आपका वीट से बना हुआ है और जो बटर है वो आपका मिल्क से बना हुआ है. दो चीज़ बताई जा रही हैं कि ब्रेड जो है वो वीट से बना हुआ है और जो बटर है वो मिल्क से बना हुआ है. मीन्स दिस इज नॉट एज अ पेयर, दिस इज एज एन सेपरेट फॉर्म. तो जो रूल हमारा बनता है वो क्या कहता है, तो जो मेरा रूल बनता है वो क्या कहता है, जब सिंगुलर नाउन दो सिंगुलर नाउन आपके एंड से कनेक्टेड हैं बट सेपरेटली वे में यूज हुए हैं, सेपरेटली यूज हुए हैं, तो हमारी जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी. दो सिंगुलर नाउन कनेक्टेड हैं एंड से बट कैसे यूज हुए हैं, सेपरेट फॉर्म में, तो प्लूरल वर्ब यूज होगी. और जब दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्टेड हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब आ रही है, कब, जब वो एज अ पेयर मतलब अलग अलग फॉर्म में ना यूज होकर इन कंबाइंड सिचुएशन पर आ रहे हैं. लुक एट द ईयर, सिंगुलर नाउन यूज एज अ सेपरेटिवली फॉर्म, वी विल यूज प्लूरल वर्ब.
सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन कनेक्टेड विद एंड बट इन अ पेयर और कॉम्बिनेशन फॉर्म वी विल यूज सिंगुलर वर्ब. सेंटेंसेस से और आपको रूल्स एग्जाम्पल से समझ में आ चुका होगा कि दो सिंगुलर नाउन आपके जब एंड से कनेक्टेड हो रहे हैं लेकिन सेपरेशन है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी. दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट हो रहे हैं बट कॉम्बिनेशन फॉर्म में है, एज अ पेयर फॉर्म में है, तो वी विल यूज सिंगुलर वर्ब. चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. अब दो नाउन्स हैं, यहाँ पर हम एंड से कनेक्शन नहीं करा रहे हैं. अब हमारा कनेक्टेड पेयर यानी जो ब्रिज हम बना रहे हैं वो अलग है. जैसे एज वेल एज के साथ, अलोंग विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, एंड नॉट के साथ, बिसाइड्स के अतिरिक्त, लाइक उसके जैसा और अनलाइक उसके जैसा नहीं. ऐसे शब्द से जब हमारे दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है शी एज वेल एज हर मदर, यहां पर भी मेरे पास क्या हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए. एक सब्जेक्ट मेरा सी है और एक सब्जेक्ट मेरा हर मदर है. क्योंकि हमें पता है कि ना सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा. तो प्रोनाउन है और प्रोनाउन ये दोनों कनेक्टेड हो रहे हैं किससे, एज वेल एज से. तो कनेक्शन का रूल आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो जब दो सब्जेक्ट हैं हमारे किससे कनेक्टेड हो रहे हैं और हम पे उस पर अप्लाई कैसे करना है. देखते हैं इधर, जैसे एज वेल एज से मेरा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है या अलोंग विद से जुड़ा हुआ है तो मेरा जो वर्ब है वो हमेशा एस वन यानी कि सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंगली आएगा. सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंगली हमेशा मेरा वर्ब आएगा जब भी कनेक्शन इन प्रेपोजिशन से हो. या आप हमेशा याद रखिए कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है. प्रेपोजिशन के पहले कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता. प्रेपोजिशन कभी भी सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता है. जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं और उसमें प्रेपोजिशन आ गया है तो उसके बाद क्या आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा. जैसे वन ऑफ यू, एक वर्ड लिखा हुआ है वन ऑफ यू, ये ग्रुप पेयर में है तो वन, ये ऑफ, तो ऑफ मेरा प्रेपोजिशन है. इसके बाद जो भी वर्ब आएगा, जो भी यू आ रहा है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कभी भी सब्जेक्ट बनने का काम नहीं कर सकता है. इसी को आप एस वन या एस टू कह सकते हैं या इसी को आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं. सेंटेंसेस पर आते हैं, देखिए तो एस वन कनेक्टेड है विद से और दूसरा है एस टू. अब इधर देखिए, माई मदर कनेक्टेड विद टू यंगर ब्रदर्स. ये माय मदर जो है सब्जेक्ट वो सिंगुलरली यूज हुआ है, टू यंगर ब्रदर्स ये प्लूरल यूज हुआ है, ऑफ माइन इसी तरह. अब सबसे पहली चीज ये समझिए कि इस सेंटेंस में हमको समझना है सब्जेक्ट, कि मेरा सब्जेक्ट क्या है. क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंगली मेरी वर्ब आएगी. सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, ऑब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं है. तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब दो सब्जेक्ट विद से कनेक्टेड हों, अलोंग विद से कनेक्टेड हों, टुगेदर विद से कनेक्टेड हों, तब वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी. आर गोइंग टू मुंबई, माई मदर विद टू यंगर ब्रदर्स ऑफ माइन, मेरे दो भाइयों के साथ मेरी माँ मुंबई जा रही है. तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पर वो है माई मदर. मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो है माई मदर. अब माई मदर कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अभी हमने वर्ब पढ़ी थी, इज होती है, वॉज होती है, हैज होती है, राइट्स हमने एक लगा के रखा था कि एस या यस आ जाएगा. तो इज, वॉज, हैज या राइट्स ये हमारी वर्ब होती हैं, ठीक है. और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आर. तो ये आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. क्यों, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर माई मदर है. यदि मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर टू यंगर ब्रदर्स होता तो मेरा वर्ब सही था, लेकिन मेरा सब्जेक्ट क्या है, माई मदर है. बच्चा क्या करता है, देखता है टू यंगर ब्रदर्स पास में लिखा हुआ है तो आर इसको सही कर देता है और वो एग्जाम में गलत हो जाता है. तो माई मदर विद टू यंगर ब्रदर्स, तो यहाँ पे मेरा ब्रदर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना कि सब्जेक्ट. इट इज द प्लेइंग अ रोल ऑफ
ऑब्जेक्ट, बिकॉज हियर इज अ प्रपोजिशन एंड अनदर प्रपोजिशन इज ऑफ, दैट दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट. कम टू द नेक्स्ट वन, सारिका. ओके, सारिका एज वेल एज, मतलब ये जो ब्रिज लगा हुआ है एज वेल एज का है. सम ऑफ हर फ्रेंड्स, ये दूसरा हो गया हैव, ये मेरी वर्ब आई है. अब ये हैव की जो वर्ब है तो इसमें हमको ये देखना है ना कि ये वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए आई है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दो सब्जेक्ट है. फर्स्ट सब्जेक्ट इज सारिका एंड द सेकेंड सब्जेक्ट इज सम ऑफ हर फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स एंड सारिका दो शब्द हैं. एक है सारिका एंड द अनदर इज फ्रेंड्स, कनेक्टेड विद द प्रीपोजिशन एज वेल एज. ओके, कनेक्शन पेयर इज एज वेल एज सारिका एंड फ्रेंड्स. देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी, अभी आपको बताया गया कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, पहला एस वन या एस टू. सही आंसर में आप जाएंगे एस वन, यानी कि ये सब्जेक्ट होगा और ये जो होगा ये आपका होगा ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है सारिका, और सारिका हैव लेगी नहीं, सारिका के साथ कौन सी वर्ब आएगी, हैज. तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि जब भी कोई पेयरिंग है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट है, कनेक्टेड विद अ प्रीपोजिशन, अलोंग विद, एज वेल एज, ऑफ है, विद है, इस तरह के कनेक्शन है, तो हमेशा वर्ब जो होती है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है. सेकंड आते हैं द पॉलिटिकल लीडर्स. ओके, सेंटेंस को पढ़ते हैं. द पॉलिटिकल लीडर्स, कनेक्शन ब्रिज क्या लगा हुआ है, एज वेल एज His followers. थोड़ा सा टाइम लेकर आप इसको खुद देखिए कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, मेरा सब्जेक्ट क्या बनेगा, द पॉलिटिकल लीडर्स बनेगा या हिज फॉलोअर्स बनेगा. और ये जो वर्ब है आर, ये किसके अकॉर्डिंगली आएगी, या तो ये पॉलिटिकल लीडर्स के अकॉर्डिंगली आएगी या ये हिज फॉलोअर्स के अकॉर्डिंगली आएगी. तो पॉलिटिकल लीडर्स प्लूरल है और ये वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल वर्ब है. It means sentence is correct. The political leaders plural subject है, as well as his followers, followers भी plural है, but हमारी जो verb है वो किसके accordingly आई है, political leaders के accordingly आई है. चलते हैं next sentence पे. All the people living the house, including the servant. Okay, दो noun बन रहे हैं यहाँ पे, पहला बन रहा है all the people और दूसरा बन रहा है servant. Okay, फिर यहाँ पर आया है वॉज. अब आपको ये देखना है जो लिविंग है, ये लिविंग जो है वो हमारा वर्ब का काम नहीं कर रहा, क्योंकि यदि लिविंग वर्ब का काम कर रहा होता तो यहाँ पर इसके पहले कुछ इज एम आर वॉज वर्ब कोई भी लिंकिंग वर्ब बी वर्ब देनी चाहिए थी. लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, ऑल द पीपल लिविंग इन द हाउस इंक्लूडिंग द सर्वेंट. तो या तो सर्वेंट सब्जेक्ट है और या ऑल द पीपल सब्जेक्ट है. इसके पहले आप रूल्स पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज के काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसको आप देखिए कि इस पे हमारा सब्जेक्ट क्या बन रहा है, ऑल द पीपल बन रहा है या सर्वेंट बन रहा है. ठीक है, तो ये एस वन है, ये एस टू है, कनेक्टेड हो रहा है लिविंग द हाउस इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग से कनेक्ट हुआ तो मेरा जो सब्जेक्ट जाएगा वो जाएगा पीपल. एक सब्जेक्ट है पीपल और एक सब्जेक्ट है मेरा सर्वेंट, बीच में कनेक्शन ब्रिज लगा दिया गया है. ठीक है, एस वन एंड एस टू, एंड आई हैव टोल्ड यू कि वर्ब जो है वो हमेशा फॉलोड होती है, फॉलोड बाय द एस वन, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंगली. तो पीपल प्लूरल होता है तो वर्ब जो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब, वॉज रॉन्ग हो जाएगा और वर्ब जो है वो हमारी प्लूरल वर्ब आएगी. नेक्स्ट, आई अनलाइक माई ब्रदर इज सीरियस अबाउट लाइफ. अनलाइक प्रीपोजिशन, उसके जैसा नहीं, लाइक उसके जैसा और अनलाइक उसके जैसा नहीं. तो एक वर्ब एस वन है हमारा आई और एस टू है हमारा माई ब्रदर. तो दो सब्जेक्ट है यहाँ पर, एक है आई है और एक है आपका माई ब्रदर. तो अब ये जो एज है वो किसके लिए आया है, या तो ये आई के लिए आया है और या तो ये माई ब्रदर के लिए आया है. अब आप देखिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, आई या माई ब्रदर. ओके, तो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है आई बनेगा, इस गलत होगा और आई किससे फॉलोड होता है, एम से फॉलोड होता है. ओके, कम टू द नेक्स्ट. यहां पर जो हमने रूल पढ़ा वो क्या था, उसको एक बार रिवाइज करते हैं.
एस वन एस टू, दो सब्जेक्ट होते हैं, कनेक्शन कोई भी हो सकता है, ऑफ है, विद है, बिसाइड्स है, लाइक है, अनलाइक है, एज वेल एज है, एज है, टू है, इन है, कोई भी प्रपोजिशन, कोई भी हमारा प्रपोजिशन जो है वो सब्जेक्ट हो सकता है, और उस प्रपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब ने तो एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, तो जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आएगी, या आप समझ सकते हैं एस वन और एस टू, जब हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं कनेक्टेड विद प्रपोजिशन है, तो वर्ब हमेशा एस वन के अकॉर्डिंगली, सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी आ सकती है, ना हम कह सकते हैं कि सिंगुलर आएगी और ना हम कह सकते हैं कि प्लूरल आएगी, वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आएगी, यदि एस वन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, यदि एस वन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। आई होप कि अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ पे आ गया होगा कि दो सब्जेक्ट कैसे कनेक्शन है और कौन सी वर्ब को वो फॉलो कर रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट, मैनी वर्सेस मच, मैनी और मच दो वर्ड्स हैं आपके सामने, दोनों का मतलब संख्या से होता है, ज्यादा किसी चीज की अमाउंट को लेकर होता है, तो ये जो मैनी है वो यूज होता है आपका नंबर्स के लिए, और जो मच है वो आपका यूज होता है क्वांटिटी के लिए, कोई चीज की क्वांटिटी कितनी है ये उसके लिए यूज होता है, तो मैनी जो है वो नंबर्स के लिए जाता है और जो मच वर्ड है वो क्वांटिटी के लिए जाता है। आपने जैसे पढ़ा है मैनी चेयर्स और मच वाटर, नॉर्मल सी बात है, चेयर्स को हम काउंट कर सकते हैं पर वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वाटर की बॉटल को आप काउंट कर सकते हैं, वाटर की ग्लासेस को काउंट कर सकते हैं, बट यू कांट काउंट द वाटर, आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं, चेयर्स हैं इनको आप काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मैनी जो है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है और जो मच होता है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। कोई भी चीज जो काउंट की जा सकती है उसके साथ हम मैनी का यूज करते हैं, और कोई भी चीज जो काउंट नहीं की जा सकती है उसके लिए हम मच का यूज करते हैं। ठीक है, अब इन पर आने से पहले के रूल्स पर आते हैं, समझिए पहले फिर सेंटेंसेस पर आइए। मैनी और मैनी अ, इन दोनों में हमको डिफरेंस समझना है, व्हाट इज द डिफरेंस या व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैनी एंड मैनी अ। जैसे आपने लिखा मैनी स्टूडेंट्स हैव कम, मैनी स्टूडेंट्स हैव कम, यानी कि मैनी वर्ड लिया, एक आपने प्लूरल नाउन लिया और आपने एक प्लूरल वर्ब लिया, चीज समझ में आई। मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। छोटे से पढ़ते हैं मैनी फ्लावर्स, मैनी चेयर्स, मैनी डेक्स, मैनी बॉटल्स, ओके। तो मैनी के साथ जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल यूज होता है, और जब प्लूरल नाउन होगा, सपोज सुनिए अच्छे से, प्लूरल नाउन जो होगा उसके साथ हम वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। कॉमन सी बात है कि प्लूरल, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं इतना कि प्लूरल नाउन जो होगा वो प्लूरल वर्ब लेगा, सिंगुलर नाउन होगा सिंगुलर वर्ब लेगा। सेम कंडीशन इज हियर, मैनी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कैसा नाउन लेगा, प्लूरल नाउन लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैनी अ, कहीं आपने देखा है मैनी, फिर आपने लिखा है अ, मैनी अ स्टूडेंट हैज कम, ये सेंटेंस भी करेक्ट है और ये सेंटेंस भी करेक्ट है, ओके। स्ट्रक्चर फॉर्म में आता है, ग्रामर में, ग्रामेटिकली दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो सही है। मैनी के साथ प्लूरल नाउन आता है और मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन आता है,
जब सिंगुलर नाउन आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। कॉमन सी चीज़ है। अब आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कि हम याद कैसे करें, कभी मैनी प्लूरल ले रहा है, कभी मैनी सिंगुलर ले रहा है। थोड़ा सा समझिए, मैनी के बाद कुछ है नहीं है, सीधा वर्ब सीधा नाउन आया, स्टूडेंट्स हो गया। मैनी के बाद क्या है? अ। तो क्या कोई चीज़ अ जो है वो प्लूरल ले सकती है? यू विल से नो, मैनी के बाद अ लगा हुआ है, तो क्या मैनी अ जो है वो अ प्लूरल लेगा? नहीं, इसके डायरेक्ट पहले क्या है? अ। और अ कभी भी क्या होता है? प्लूरल नहीं लेता, तो ये सिंगुलर लेगा। अ और एन दोनों यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सिंगुलर नाउन ये हो गया, ठीक है। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। मैनी अ या एन संख्या के लिए यूज होते हैं दोनों, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। मैनी प्लूरल नाउन लेता है और मैनी अ जो होता है वो सिंगुलर नाउन लेता है, और जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर, और प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आ जाएगी। कम टू द सेंटेंसेस। अब देखिए इधर, इस सेंटेंस को पहले आप ट्राई करने की कोशिश करिए कि इसमें क्या एरर है, डिटेक्ट करिए। अब देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, मैनी, ठीक है। मैनी के बाद क्या स्ट्रक्चर है? एन। तो मैनी के बाद एन को आपको गलत नहीं करना है, आपने पढ़ा मैनी अ और मैनी एन, ओके। तो मैनी एन, अब इधर देखिए एप्पल्स, जबकि अभी हमने पढ़ा है कि मैनी के बाद जब ए या एन आता है तो हमारा नाउन कैसा बनता है? सिंगुलर, और वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। तो आप अब मैनी एन एप्पल क्या लगाएंगे? हैज या हैव? हैज। मैनी एन एप्पल हैज बिकम वेस्ट। कम टू द सेकंड, सेकंड की करने की कोशिश करिए। मैनी लगा हुआ है, ठीक है, ए इसका क्राइटेरिया बनता है ऐसे सेंटेंस का। ऑब्जेक्शन, तो इधर थोड़ा सा देखिए, मैनी अ ऑब्जेक्शन या मैनी एन ऑब्जेक्शन? मैनी एन ऑब्जेक्शन। ऐसी भी एरर आएगी आपकी आर्टिकल वाली दे देगा, मैनी एन ऑब्जेक्शन। और आपको पता है आर्टिकल में हिंदी के स्वर चलते हैं, ठीक है। जैसे आपका यूनिफॉर्म, अब ये इंग्लिश का वॉबल जो है वो तो यू ले रहा है, लेकिन हिंदी में इसको क्या लिखते हैं? यू। तो ये क्या लेता है? अ। मैनी एन ऑब्जेक्शन, अब सोचिए वॉज लगाऊं या वर लगाऊं? सब्जेक्ट कैसा बन रहा है मेरा? सिंगुलर। जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरी वर्ब क्या से होगी? सिंगुलर, क्योंकि बहुत पहले ये हो चुका है कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से ही क्या करेगा? अपना एग्रीमेंट करेगा। इन सेंटेंसेस को आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। पहले मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, मैनी अ का फ्रेमवर्क नहीं लगाना है यहाँ पे, केवल मैनी का वर्क फ्रेमवर्क लगाना है। देन मैनी स्टूडेंट्स सही है। विच वर्ब विल कम हियर? हैज और हैव। सब्जेक्ट मेरा क्या है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? यू विल टेल मी, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है। सब्जेक्ट जब मेरा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? मेरी प्लूरल आएगी। नेक्स्ट मैनी अ, ओके, पेयर आ गया मैनी अ का। मैनी अ का पेयर आ गया और अ अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर। लुक इट, इधर जब इसको हम देखेंगे, लुक एट देयर, मैन को देखेंगे तो ये प्लूरल लिखा हुआ है, जो कि एग्जाम में हमको नहीं दिखाई देगा, है ना, क्योंकि हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। मैनी और मैन, ये अभी पहले वाला रूल जब हमने फॉलो किया था अलोंग विद, ये प्रीपोजिशन से जुड़ गया। देखिए मैनी या मैन के जस्ट बाद वर्ब नहीं दी गई है, तो मैनी या मैन के बाद वर्ब नहीं दी गई है, ये प्रीपोजिशन से जुड़ा। अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन इज, तो वर्ब जो है वो क्या आई है? इज आई है। तो ये वर्ब जो है मैनी अ मैन, मैन के लिए ये वर्ब आई है, तो इसके लिए इस जो है आपका सही है। और ये वर्ब फ्रेंड्स के लिए नहीं आई है, क्योंकि ये क्या जुड़ा हुआ है? प्रीपोजिशन। और ये प्रीपोजिशन का क्या जुड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट नेवर एग्रीज विद द वर्ब, वर्ब इज ऑलवेज एग्रीड विद द सब्जेक्ट। एंड हियर अवर सब्जेक्ट इज मैनी अ मैन, दैट इज फॉलोड ओनली सिंगुलर वर्ब, ओके। तो
आपका मैनी का रूल क्लियर हो गया, आपका एस वन एस टू का रूल क्लियर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट टू सिंगुलर सब्जेक्ट रूल वर्ब क्लियर हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट टू प्लूरल वर्ब रूल क्लियर हो गया। इसके कई लेंथियर सेंटेंसेस जो हैं वो आपको बताए जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इन पर हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए होंगे। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आपको मिल जाएगा। कनेक्टेड रहिए हमसे, लगातार नए नए पीडीएफ्स आपको मिल रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं, नए नए कंटेंट्स आपके पास मिल रहा है, जीके मैथ्स इंग्लिश एंड करंट की सभी स्लाइड्स चल रही हैं। तो प्लीज़ वॉच अस एंड बी अ हेल्दी लाइफ एंड डूइंग वेल। थैंक यू।